हेलो स्टूडेंट, यह चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड है, जिसमें अपन विद्युत आवेश के गुण तथा उन उसके मात्रक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे कि विद्युत आवेश के गुण कौन कौन से हैं तथा उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल और एकाध या कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आवेश के गुण में अपन पहले गुण की अगर बात करें तो समान आवेश, जिसे अपन ये कहते हैं कि समान प्रकृति के अगर आवेश हैं तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण तथा अगर आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण। यानी अपन सीधा सीधा ये कहते हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि ये जो नियम है इसे अपन केविंडिश का स्थिर विद्युत आकर्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, या फिर अपन ये जो है स्थिर वैद्युतिकी का मूल सिद्धांत भी है, यह स्थिर वैद्युतिकी का मूल सिद्धांत भी है। ठीक है, दूसरा जो नियम है अब अपन बात करने वाले हैं, नियम नंबर दो की। तो दूसरा नियम क्या कह रहा है कि आवेश आवेश द्रव्यमान से जुड़ा हुआ है, द्रव्यमान से जुड़ा है। यानी अगर द्रव्यमान होगा तो ही आवेश होगा और द्रव्यमान नहीं होगा तो आवेश भी नहीं होगा, यानी आवेश भी कितना रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, जैसे कुछ कण देखे गए हैं, जैसे फोटोन कोमा न्यूट्रिनो, है ना, इनका विराम द्रव्यमान शून्य है ना, विराम द्रव्यमान शून्य, और जब इन पर आवेश देखा गया तो ये जो कण है वो पाए गए अपन को क्या, उदासीन। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान आवेश से संबद्ध नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आवेश शून्य है, आवेश क्या है, शून्य, तो एम इक्वल टू जीरो हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे वस्तुएं उदासीन हो सकती है, वस्तु उदासीन है ना हो सकती है, परंतु उसका द्रव्यमान नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कोई भी वस्तु जो उदासीन है उसका द्रव्यमान नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होता ही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तीसरे गुण की। तीसरा गुण है आवेश की अचरता या निश्चरता। ठीक है, अब आवेश की अचरता या निश्चरता क्या होती है, तो ध्यान रखना कि आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, या अपन कहते हैं कि आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है, जिसे अपन लिख सकते हैं कि Q स्थिर अवस्था इक्वल होगा Q गतिशील अवस्था। यानी किसी वस्तु का जो विराम अवस्था में आवेश है वही आवेश होगा कौन सी अवस्था में, गतिशील अवस्था में। ठीक है, इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन पर आवेश।
ठीक है, अपन जानते हैं ई इक्वल टू होता -1.6 इंटू 10^-19 कूलम, ये होता है। अब अपन ये कह दें कि इलेक्ट्रॉन अगर विराम अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन अगर कहीं विराम अवस्था में है, विराम अवस्था, तब भी इसका आवेश 1.6 इंटू 10^-19 कूलम ऋणात्मक प्रकृति का होगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी चालक तार में प्रवाहित है तब भी, यानी इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था, तब भी इसका आवेश -1.6 इंटू 10^-19 कूलाम होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान देना कि द्रव्यमान, द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है, जिसे अपन निम्न इक्वेशन से देख सकते हैं, एम इक्वल टू एम नॉट बाई अंडर रूट 1-V²/C². यहां से अपन इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि V की वैल्यू बढ़ने पर एम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी अपन ये कह दें कि द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है और चाल बढ़ने पर द्रव्यमान भी बढ़ता है। यहां पर अपन एक बात देखें कि द्रव्यमान व आवेश में एक अंतर यह है कि आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता जबकि द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला नियम है आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है, तो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, यानी अपन ये कह दें कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। ठीक है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, यहां पे एक और बात ध्यान देना कि आवेश संरक्षण का जो नियम है यह एक अनुभाविक नियम है, यानी अनुभव के आधार पर दिया गया है, और इस नियम को जो दिया था वो दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्होंने दिया था। ठीक है, अगर इस नियम को अपन गणितीय रूप में देखना चाहते हैं तो गणितीय रूप में इसका गणितीय रूप क्या है, गणितीय रूप यह है समीशन क्यू एन इज इक्वल टू नियत, जहां पे एन इक्वल वन से है कहां तक, एन तक, यानी जितने भी कण है निकाय में, है ना, उन सबका, ये जितने भी निकाय के अंदर अवयव है उन सबका टोटल आवेश क्या होता है, नियत, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है -E और इस पर आवेश होता है +E। ध्यान रखना जो द्रव्यमान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो का वही द्रव्यमान इसका होगा, है ना, 9.1 इंटू 10^-31 kg। तो अपने दिमाग में, आपके दिमाग में अगर ऐसा हो कि पॉजिट्रॉन प्रोटॉन है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो अलग होता है 1.67 इंटू 10^-27। ध्यान रखना पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकण है। ठीक है, इनमें सिर्फ अंतर सिर्फ इतना सा है कि इनके चक्रण क्या होते हैं, ऑपोजिट। अब जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन के समीप आता है तो ये दोनों एक दूसरे का विनाश करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा, जिसे अपन बोलते हैं गामा फोटोन। ठीक है, गामा
फोटोन। ठीक है, यहां पे प्रारंभिक आवेश क्यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ई प्लस ई इज इक्वल टू जीरो, और क्यू फाइनल इक्वल टू, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा है इसी वीडियो में कि फोटोन पर आवेश कितना होता है, जीरो। इसका मतलब यह हुआ कि जो आवेश ये प्रोसेस करने से पहले था शून्य, वही आवेश प्रोसेस संपन्न होने के बाद भी है। यानी किसी भी विलगित निकाय का आवेश क्या होता है, नियत रहता है। जो प्रारंभिक आवेश है वो का वही अंतिम आवेश रहता है। ठीक है, यानी अपन आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और ध्यान देना, अपन को थोड़ा ऐसा लगता है कि यहाँ पर आवेश माइनस ई था, यहाँ पर प्लस ई था, तो हमने बाद में इन दोनों को समीप लाए और आवेश शून्य हो गया, यानी हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का आवेश को नष्ट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, अपन ओनली इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, इस पूरे निकाय की बात करेंगे। निकाय में कौन कौन से कण थे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, दोनों का आवेश मिलकर शून्य है और बाद में भी क्या हो रहा है, शून्य। ठीक है, आवेश संरक्षण का अगला जो उदाहरण है बहुत अच्छा उदाहरण है, रेडियो एक्टिव क्षय। यानी रेडियो एक्टिव क्षय में भी आवेश क्या रहता है, संरक्षित। जैसे यूरेनियम 92238, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान बनेगा। थोरियम 90234 प्लस Hg2 4, जैसे अपन बोलते हैं एल्फा कण। यानी ये जो है एल्फा कण, थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझा दूँ, क्योंकि न्यूमेरिकलों में एल्फा कण के बारे में अगर बात आती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एल्फा कण हीलियम के नाभिक के तुल्य होता है, और हीलियम के नाभिक में दो प्रोटोन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो यानी हीलियम के नाभिक पर जो आवेश होगा वो दो प्रोटोनों के तुल्य होगा। ठीक है, हाँ, अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कि प्रारंभिक आवेश क्यू इनिशियल इक्वल टू कितना है, तो 92 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाकी सारे तो क्या है, न्यूट्रॉन। और अगर अपन क्यू फाइनल की बात करें तो क्यू फाइनल क्या हो जाएगा, अपने पास 90e थोरियम के प्लस 2e हीलियम इस एल्फा कण के, तो अभी भी अपने पास कितना है, 92e। ठीक है, और e इक्वल टू है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, कंफ्यूज हो जाओगे वरना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, उदाहरण तीन है नाभिकीय अभिक्रियाओं में। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में कैसा होता है, जैसे नाइट्रोजन 7-14, ये एल्फा कण से संयोग करेगा Hg2 4 से, जिसे अपन बोलते हैं एल्फा कण। इससे जब संयोग करेगा तो क्या होगा, बनेगा फ्लोरीन 9-18, ठीक है, जो कि आगे टूट जाएगा किसमें, ऑक्सीजन 8-17 प्लस H1 1। तो यहाँ पे ये अस्थायी होता है, अस्थायी, जो कि टूट जाएगा ऑक्सीजन परमाणु में। जब नाइट्रोजन का परमाणु हीलियम से क्रिया करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, फ्लोरीन बन जाएगा, और वो फ्लोरीन अस्थायी होने के कारण टूट जाएगा किसमें, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन में। यहाँ पे इस अभिक्रिया में सिर्फ अपन नाभिक आवेश संरक्षण को समझ रहे हैं। ठीक है, और इस अभी ऐसी अभिक्रियाओं को अपन पढ़ेंगे नाभिकीय भौतिकी वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर शायद 15 वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, 15वें चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो आगे देखो, यहाँ पे प्रारंभिक आवेश कितना है, क्यू इनिशियल इक्वल टू 7e प्लस 2e कितना हो जाएगा, 9e, और क्यू फाइनल इक्वल टू हो जाएगा 8e प्लस ई, ये हो जाएगा कितना, 9e। तो जो प्रारंभ में आवेश था 9e, वही आवेश अंतिम आवेश है 9e। ठीक है, अगला उदाहरण है इसका आयनीकरण क्रिया, जिसमें NaCl नमक, नमक को जब अपन जल में घोलेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो प्रारंभिक आवेश क्यू इनिशियल इक्वल टू जीरो, और अंतिम आवेश क्यू फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ई, और माइनस ई इक्वल टू जीरो। यानी यहां पे भी आवेश क्या है, संरक्षित है। ठीक है, अगला गुण है 5, आवेशों की योज्यता या आवेशों का योगात्मक गुण।
इस गुण में क्या होता है कि किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित आवेशों के चिन्ह सहित बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी अपन कहें कि यदि किसी निकाय के कणों पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, Qn है तो उस निकाय का परिणामी आवेश Q इक्वल टू हो जाएगा Q1+Q2+Q3+Qn। ठीक है, यह गुण कहलाता है आवेशों का योगात्मक गुण। ठीक है, इसका एक इसे अपन थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं या फिर इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या है एग्जांपल? ठीक है, जैसे ये कोई निकाय है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कण है। ठीक है, इस पर 1 कूलाम आवेश है, इस पर 4 कूलाम, इस पर -5 कूलाम, इस पर 2 कूलाम और इस पर -3 कूलाम। तो इन इस पर परिणामी आवेश क्या होगा? तो मैं इन आवेशों को नाम दे दूं Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। तो परिणामी आवेश Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1+Q2+Q5। तो मान रखते जाएंगे 1 कूलाम+4 कूलाम+5 कूलाम+2 कूलाम+3 कूलाम। ठीक है, यानी चिन्ह सहित योग करते जाएंगे तो Q इक्वल टू 4 और 1 5, -5 0 और 3 में 2 -1 कूलाम। तो आंसर आ जाएगा -1 कूलाम। ठीक है, अगला गुण है आवेशों का क्वांटीकरण। तो आवेशों के क्वांटीकरण की पुष्टि मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से हुई। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो मिलिकन। और उस प्रयोग का नाम बताइए जिससे आवेश के क्वांटीकरण की पुष्टि हुई। तो वो है तेल बूंद प्रयोग, मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग। ठीक है, आवेश के क्वांटीकरण में अपन देखते हैं कि आवेश जो है वह एक क्वांटीकृत राशि है और आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन है। यानी अपन ये कहते हैं कि आवेश जो है टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। आवेश के क्वांटीकरण का मतलब ही यही है कि आवेश टुकड़ों के रूप में पाया जाता है और आवेश का सबसे छोटा टुकड़ा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के इक्वल होता है E=1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, जिसे प्रकृति का मूल आवेश भी कह सकते हैं, है ना, या फिर आवेश की न्यूनतम मात्रा भी क्या है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। ठीक है, और आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार होता क्या है कि किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव आवेश की न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब 1 गुना 2 गुना 5 गुना 1000 गुना 10000 गुना, है ना, ये होगा, या फिर माइनस में 1 गुना -2 गुना -5 गुना -1000 गुना, इस तरह से होगा। कभी भी आवेश आधा इलेक्ट्रॉन डेढ़ इलेक्ट्रॉन के रूप में नहीं होगा। ठीक है, और आवेश के क्वांटीकरण का ये गणितीय रूप है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं। ठीक है ना, आवेश का अगला गुण है 7वां गुण, आवेश स्थिर अवस्था में है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा, अगर आवेश गतिशील अवस्था में है और गतिशील अवस्था में भी एक समान वेग से गतिशील अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और यदि आवेश त्वरित गति करे तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र के साथ ऊर्जा भी उत्पन्न करता है, जिन्हें अपन विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण विकिरण का भी उत्सर्जन करेगा। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि विद्युत आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना, यानी विद्युत आवेश और द्रव्यमान
में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, विद्युत आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि है, दोनों ही क्या है, अदिश राशि, दोनों ही अदिश राशि, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि विद्युत आवेश धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, जबकि द्रव्यमान सदैव धनात्मक होगा। तीसरा गुण है, त्वरित द्रव्यमान ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता, जबकि त्वरित आवेश ऊर्जा उत्सर्जित करता है। आवेश अगला गुण है, आवेश क्वांटीकृत राशि है, यानी आवेश टुकड़ों के रूप में है, जिसका टुकड़ा सबसे छोटा है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, जबकि द्रव्यमान क्वांटीकृत राशि नहीं है। पांचवा गुण है, किसी वस्तु का आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता, जबकि द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। अब अपन बात करेंगे विद्युत आवेश के मात्रक का। अभी तक अपन ने बात की है विद्युत आवेश के गुणों की, अब अपन बात करेंगे विद्युत आवेश के मात्रक। तो इसमें पहला पॉइंट है, पॉइंटों के रूप में देखते जाएंगे अपन। पहला पॉइंट है, एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक है वो है कूलाम, जिसे डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक है वो है ई एस यू या स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, है ना। ध्यान रखना कि जो साइंटिस्ट फ्रैंकलिन थे उन्होंने क्या है, आवेशों को धनावेश और ऋणावेश नाम दिए थे, उनके सम्मान में आवेश का जो मात्रक है वो क्या रखा गया है, फ्रैंकलिन, ठीक है। कूलाम, कूलाम भी साइंटिस्ट है, आगे अपन पढ़ेंगे कूलाम का नियम, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ी सी अच्छी सी बात देख लेते हैं कि एसआई मात्रक कूलाम और सीजीएस मात्रक में क्या संबंध है। तो ध्यान रखना, कूलाम बड़ी राशि, एक कूलाम इक्वल टू होता है 3×10⁹ ई एस यू, ठीक है। ई एस यू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे है, फेराडे, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, फेराड मत लिख देना, क्योंकि फेराड जो है वो धारिता का मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फेराडे बराबर होता है 96495, जिसे अपन न्यूमेरिकल में लगभग बराबर लिख सकते हैं 96500 कूलाम, ठीक है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो है ई एस यू या फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि एक ई एस यू जो होता है, एक ई एस यू इक्वल टू होता है 1/3×10⁹ कूलाम, ठीक है। चौथा पॉइंट है, अब अपन देखेंगे एस आई पद्धति में आवेश के छोटे मात्रक, छोटे मात्रक, ठीक है। तो पहला है 1 μ, जिसको अपन लिखते हैं 10⁻¹ कूलाम, ठीक है। दूसरा जो है वो है 1 μ, जिसे अपन लिख भी सकते हैं 1 pC, ये होता है 10⁻¹ कूलाम, ठीक है। हाँ, काफ़ी कंफ्यूज मत हो जाना अगर क्वेश्चन में आ जावे कि 1 μ, तो फिर आप सोच लो कि 1 μ ही होगा, या तो ये माइक्रो जो क्या है कि मिसप्रिंट हो गया होगा, तो ऐसा नहीं है। 1 μ, इसका मतलब होता है 1 pC, जिसको अपन लिख सकते हैं 10⁻¹ कूलाम। तीसरा है 1 nC, जिसको अपन लिख सकते हैं 10⁻¹ कूलाम, और भी अपन लिख सकते हैं 1 kC, तो 10³ कूलाम, ठीक है। अगला पॉइंट है पांचवा, आवेश का जो प्रायोगिक मात्रक है एम्पियर इंटू घंटा है, ठीक है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक
EMU है, एक EMU इक्वल टू होता है 10 कूलम। ठीक है, अब यहां पे अपन थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आवेशों का जो क्वांटीकरण पढ़ा था, एक इक्वेशन पढ़ी थी अपन ने क्यू बराबर NE, इस इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि Al3+ आयन पर आवेश की गणना करें। ठीक है, तो आवेश की गणना से मतलब ये है +3 चार्ज है, तो अपन यहाँ पे जब इसको अपन हल करेंगे है ना, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि Al3+ का मतलब ये है कि एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगी कम। अब 3 इलेक्ट्रॉन कम होगी तो 3 इलेक्ट्रॉन कम होने के बराबर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे चूंकि क्यू बराबर एन ई, तो एन इक्वल टू कितना है 3, तो क्यू इक्वल टू अपने पास क्या हो जाए 3 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ठीक है, या फिर अपन इसको लिख दें 4.8 × 10⁻¹⁹ कूलाम और लिख देंगे धनावेश। ठीक है, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। इससे संबंधित और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो कि मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूँ।